तो कढ़ाई हो चुका है हमारा अच्छे से गरम और तेल भी हो चुका है अच्छे से गरम। अब मैं फिश को फ्राई कर लूँगी। तो हमें ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का फ्राई करना है और इससे फिश को निकाल लेना है। तो अल्टी पल्टी करके हम दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अभी मैं इसे पलट दूंगी। बस हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे। तो मैं इसे पलट रही हूँ। अब 2 से 3 मिनट इसे बस फ्राई कर ले, इतना ही काफ़ी है। तो दोनों साइड से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी बाउल में। अब बाकी पीसेस को भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये भी एक साइड से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे टर्न ओवर कर रही हूँ दूसरे साइड। तो हो चुका है हमारा ये साइड भी फ्राई अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी साबुत जीरा। तो उसी तेल में सबसे पहले हम डाल देते हैं बे लीव्स, या मैंने इस पर डाल दिया। फिर हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा। मैं एक छोटा सा बाउल में मसाला मिक्स कर लूंगी, एक पेस्ट जैसा। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। फिर इसमें डाल दूंगी हल्दी, फिर रेड चिली पाउडर, और ज़रा सा धनिया जीरा पाउडर। और अच्छे कलर आने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर। ये चिली पाउडर देख सकते हैं, ये हमने घर में बना हुआ है, तो घर में कूटा हुआ। इस ये बहुत तीखा होता है, बॉम्बे मिर्च का पाउडर है ये। तो इसे भी हम ज़रा सा करी में डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा लेना है क्योंकि ये बहुत ही तीखी होती है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ज़रा सा, एक थिक पेस्ट बनाना है हमें इसे। तो बिल्कुल इस तरह का एक थिक पेस्ट मैंने बना लिया है। तो इसे रख देते हैं साइड पे। तो जीरा और बे लीव्स हमारा फ्राई हो चुका है, हम इसमें ये मसाला ऐड कर देंगे। एक मिनट के लिए इसे चला लेंगे। अब मैं तुरंत ही ये फ़िश भी इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को हम ज़रा हाई रखेंगे इस टाइम पे और थोड़ा चम्मच से चला लेंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें आप प्याज और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर पेस्ट, जो हमने घर पे पेस्ट बना के रखा हुआ था रेफ्रिजरेटर में। तो इसका पेस्ट डाल देंगे। तो करीब आधी से एक चम्मच मैं जिंजर का पेस्ट डाल दूंगी। आप चाहे तो कुकिंग से स्टार्टिंग में ही और तेल में आप लहसुन भी डाल सकते हैं। तो अभी हम चम्मच तरह चला लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पानी रेडी कर लेती हूँ। करी के लिए पानी मैंने रेडी कर लिया है उसी बाउल को धोकर। तो सारे मसाले और अदरक भी फ्राई हो चुका है। अब टाइम है इसमें पानी ऐड करने का, तो मैं इसे पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छी कलर आई है बहुत ही।
तो आप सॉल्ट भी थोड़ी देर के बाद चेक कर सकते हैं जब ये कुक हो जाएगा। अब हम करी को थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। और थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। फ्लेम को मैंने धीमे ही रखा है।